नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बलरामपुर में 36 घंटे से ज्यादा चली छात्रों की भूख हड़ताल, प्राचार्य को हटाने की मांग पर अड़े सभी छात्र, कार्यवाही का मिला आश्वासन। चंपारण में मानव सेवा संगठन ने दिखाया मदद का जज्बा, गरीबों और असहाय लोगों को बांटे कंबल, पिछले 5 सालों से समाज सेवा कर रहा संगठन। और सुल्तानपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट का हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम, कलेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बलरामपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र धरने पर बैठ गए हैं और खुद को विद्यालय के छात्रावास में कैद करके 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए बिता दिए हैं। बता दें, छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हालांकि छात्रों के इस कृत्य से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सुबह से अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिला। उपजिला अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन छात्रों ने छात्रावास का दरवाजा नहीं खोला। तभी अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने उनकी सभी मांगें पूरी करने की शर्त पर छात्रावास का दरवाजा खुलवाया। बता दें, जिला विद्यालय निरीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष छात्रों ने अपनी समस्याओं को रखा है, जहां पर अधिकारियों ने भी उनकी समस्याओं को लिखित रूप से आगे रिपोर्ट करने की बात कही है। बता दें, प्राचार्य को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन उप जिला अधिकारी राजेंद्र बहादुर की माने तो प्राचार्य पर लगे सभी आरोप निराधार है। बलरामपुर से दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है कि सर मैस मीटिंग होती थी सेकंड सैटरडे को, लेकिन मैस मीटिंग में सर ये होता था, खाना कोई भी खाना या कोई भी प्रोडक्ट बदलवाना हो तो बदल जाती थी, लेकिन यहाँ बदल नहीं जाता है सर, मीटिंग में वही चलता रहता है सर उनके अनुसार। यहाँ पे कोई मेनू नहीं बनाया गया खाने के लिए, कोई मेनू सर। मीटिंग अगर बात रखते हैं तो कोई बात, सब मैस मीटिंग होती है तो उसमें अगर कोई बात रखी जाती है तो डाक के सभी लोग को बैठा दिया जाता है, जो मनमर्जी होता है वही करती है। कीड़ा निकलता है सर, क्या खाएं हम लोग, चावल में कीड़ा रहता है। सर यहाँ गेम है, गेम टाइम में गेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई गेम नहीं होता है। ये ग्राउंड दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड ग्राउंड बड़ा भर, मतलब बस बड़ा ही है, यहाँ नाम का बड़ा है, यहाँ जाने ही नहीं देते। एक गेट गेट वहाँ पे बना हुआ था, गेट पे भी जाने नहीं दिया जाता। सोसर तो ज्यादा बात है, जब कोई बात ही नहीं मानती, मिसबिहेव करती है, टीचर से मिसबिहेव करती है, गार्जियन से मिसबिहेव करती है, लड़कों से तो करती है, हमेशा निगेटिव ही बोलती है, जब भी बोलेंगे हमेशा निगेटिव ही बोलती है। सर वो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं, वो बोल दिए, मतलब वो भी वाइस प्रिंसिपल हैं और वरिष्ठ हैं सबसे यहाँ पर, वो बोल दिए रिटायर होने वाले हैं सर, उनको हड़का ली पूरे पूरे बच्चों के साथ पूरे असेंबली में, जैसे उनकी कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। कहाँ रहने वाली है? बलरामपुर में इनका बर्थ हुआ है और इनकी शादी सिद्धार्थ नगर में हुई है। संज्ञान में आया था कि बच्चों को कुछ आपने हाल में बंद करके रखे हैं और खाए पिए नहीं थे, तो हम पुलिस प्रशासन और जो है जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की तरफ से DIO साहब सभी लोग आए, एडिशनल SP मैम आई थी, और बात करके उनसे इसको मामले को हल करा दिया गया है। इन्होंने DC जो इनके डिप्टी कमिश्नर नवोदय के होते हैं उनसे उन्होंने फ़ोन से वार्ता किया, और वार्ता करने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें जाँच की जाएगी, जाँच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रकरण को समाप्त करके बच्चे इस समय डिनर के लिए तैयार है, खाना खा रहे हैं। उनकी विभिन्न तरह की बातें थी, हालांकि मुझे तो ये संज्ञान में आ रहा है कि जैसे बच्चे पहले बहुत ढील दी गई थी, बच्चे उदंड थे, अब जो है थोड़ा सा कड़ाई की जा रही है तो तकलीफ होगी, इसी को लेकर के पूरा माहौल बनाया जा रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि इस तरह का हो कि बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई, उत्पीड़न कार्रवाई जैसे संज्ञान में नहीं आया है, परंतु कड़ाई करना ही उत्पीड़न माना जा रहा है, इसलिए कार्रवाई बच्चे उत्पीड़न हुए। चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र में मानव सेवा संगठन ने नगर के सभी चौक चौराहों पर गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटने का काम किया है। बता दें, संगठन पिछले 5 सालों से गरीबों और असहायों के बीच कंबल के साथ अन्य खाने पीने की वस्तुओं का वितरण करता है, साथ ही अन्य कामों में भी यह संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष रजनीश सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
मानव सेवा के सेवा संगठन की तरफ से कमल मिलल बा खतरा क्या नाम पड़ी नाम सुखदेव तिवारी पड़ी कहाँ मिलल कम्बल आज मानव सेवा संगठन के द्वारा रामनगर में विभिन्न जगहों पर गरीब जरूरतमंदों के बीच दर्जनों कंबल बांटे गए हैं, जिसमें रामनगर हरिनगर स्टेशन, इसके साथ साथ रामनगर अस्पताल, बस स्टैंड, ऐसे जगहों पर जो भी जरूरतमंद मिले उन्हें हम लोगों के द्वारा, हम लोग की संस्था के द्वारा कंबल दिया गया, और आगे ये मुहिम निरंतर जब तक ठंड रहेगी जारी रहेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुजल कुमार सिंह। बीते दिन सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रविश गुप्ता की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपैट के परिचालन सहित कनेक्शन और मार्कपोल को भली भांति समझ लें, जिससे मतदान दिवस पर किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण कर सकें। उन्होंने सभी को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन करते रहें, साथ ही जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वे लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। सुल्तानपुर से सैफ आलम की रिपोर्ट। उत्तराखंड के डोईवाला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध निरस्त कराने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी में घर का घेराव किया है। गौरतलब है कि आंदोलनकारियों ने पहले ही स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया था। इसी रणनीति के तहत आंदोलनकारी स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचे। आंदोलनकारियों का कहना था कि यदि वार्ता विफल रही तो वह आत्मदाह करने को मजबूर रहेंगे। इस दौरान आंदोलनकारी बेहद आक्रोशित थे और आत्मदाह करने को लेकर उतारू थे। ऐसे में गनीमत रही कि स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले ही अपने गृह क्षेत्र पौड़ी के लिए रवाना हो चुके थे, तभी आंदोलनकारियों को समझा बुझा कर मना लिया गया। दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सिमवाल ने बताया कि अनुबंध निरस्त कराने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता करने के लिए आए थे। उन्होंने हमें बताया था आज से 3 दिन पहले कि संडे से पहले पहले डोईवाला हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त हो जाएगा, लेकिन 3 दिन से न तो मंत्री जी हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, न उनके PS, न उनके PRO कोई हमारे फ़ोन से बात कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज हमारे डोईवाला के जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पर माननीय मंत्री जी से वार्ता करने के लिए आए। आज हम लोग यहाँ पे डोईवाला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए हम 42 दिन से वहाँ पे धरना में बैठे हैं, और मुख्यमंत्री, इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था परसों संडे का हमको कि हम इस पे वार्ता करेंगे, इसको तुरंत अनुबंध को निरस्त कर देंगे, लेकिन आज हमारी मजबूरी हुई कि यहाँ तक आना, और यहाँ तक आना हम बहुत कुछ सोच के आ रखे, क्योंकि ये यहाँ से तो प्रशासन उठा देगा कोई नहीं, अब इस प्रशासन की भी मजबूरी है क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं, जिन महिलाओं की बदौलत ये बैठे हैं इनकी तो रिस्पेक्ट करते जरा, इनकी रिस्पेक्ट करते, इन्होंने तो कंस का रूप धारण कर दिया, देवी की के जैसे कंस ने किया था वैसे। बिंदु खत्ता के जड़ सेक्टर स्कूल में श्रम विभाग का उपकरण वितरण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान देखने में आया कि कार्यक्रम में दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी लाभार्थियों को सामान वितरण नहीं हो सका। ऐसे में भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रवासियों ने कड़ा रोष प्रकट किया और मायूस होकर अपने अपने घर की ओर लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट। होने के कारण यहाँ पर इतनी भीड़, सुबह से इतनी भीड़ हो गई थी कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी, और ऊपर से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर नारे लगाने का कोई सिस्टम नहीं बनता है, जो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है तो कर रही है, तो सब जो इतने लोग आए हुए थे, कुछ लोगों को तो मिलता, किसी को भी यहाँ पर जो है किट नहीं बांटे गए, किट वापस कराया गया है, और यहाँ पर जो है सिस्टम कुछ सिस्टम नहीं है सिस्टम के आधार पर, और यहाँ पर ये मजदूरों को इतना बुला करके इनको मजदूर अगर साबित कर रखा है तो इनको किट मिलना चाहिए और प्रशासन के तरफ से जो है इनको हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सुबह से ये लोग परेशान हैं, न खाने को मिला, न कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था, न चाय, न पानी, कोई व्यवस्था नहीं,
और तो और विभाग के लोग भी बिना चाय पानी के वापस गए हैं और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई और यहाँ पर एक को भी किट नहीं मिला और यहाँ पर जो है किट बांटने के नाम पर जो है यहाँ पर किसी को भी और अब कहा गया है कि किसी को सुराग है और इसको नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको मिलेगा, जिसको किट नहीं मिला है सबको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। भैया हम तो अपनी समस्या लेके आए हैं, कहते हैं कि सरकार ये दे रही, सरकार वो दे रही, सरकार सब कुछ दे रहा, गरीब तो ये माल पहुँच ही नहीं रहा है, जिसके हाथे हैं नाते हैं जो वहाँ पर पहुँचा हुआ आदमी है उसी को सामान घर पहुँच जा रहा है और गरीब आदमी ऐसे ऐसे भटके रह जा रहे हैं, जिसको रात दिन में भर मजदूरी करते हैं, शाम को 400 रुपये कमा के लाते, अब क्या खाएंगे बच्चे घर जाके, वहाँ से यहाँ हमको बुला दिया, ये तो सही है इन्होंने बुला दिया, हमने हम आ गए, चलो हमने कहा गरीब आदमी को सामान मिल रहा हम ही चले जाए। बजे आ गए थे आप? सुबह बजे आए, हम 7 बजे आए, 6 बजे नहीं है, हम आए 7 बजे, कह रहे हैं कि सामान आ रहा है, कब आएगा सामान, और कहना कि जिसके उसमें सुराख है उसको सामान नहीं मिलेगा, सुराख है जरूर, हम मना नहीं कर रहे, हमारे में सुराख है, हमको थोड़ा मिला था आटा, वो हमको मोदी ने दिया, उसने सामान दिया आटा चावल, हमने उसमें सुराख पा नहीं कराया और हमें इतने चक्कर काटते काटते तब हम परेशान हो चुके हैं लेबर कोर्ट में जाके, कभी कहते हैं आज मिलेगा, कभी कहते हैं कल मिलेगा, 2016 से हमें कोई उसमें कहते हैं वो नहीं मिली है, सुविधा नहीं मिली है, हम गृह मंदिर में कैंप लगा था, हमसे कहा कि आपका कार्ड रिन्यूअल नहीं है, हम रिन्यूअल लगा के लाए, फिर भी हमें अभी कोई सुविधा नहीं मिली है, भीड़ में भी मिल जाएगा सही है, नहीं तो हमारा ऐसे हमारे साल ऐसे करते रहेंगे, हमें कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, मुझे अभी कोई भी सुविधा नहीं मिली है, मेरी लड़की बीमार है दिमाग से, उसका इलाज चल रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको दिखा सकूँ, 6 महीने हो गए मेरी लड़की की दवाइयों को खा खा के कहते हैं जन औषधि वाली दवाई खा रही है, उससे सही है और नहीं तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से, हाँ ये चुनाव हो रहे हैं जनता ऐसी कहते हैं वो होगी, और होने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुई हमें तो, खाली सुबह 6 बजे से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, ना हमें कुछ मिला अभी तक, ना कुछ ना पानी की व्यवस्था, ना कोई चीज की भी व्यवस्था नहीं है, 5 जानवर है, 3 बच्चे हैं, उनको छोड़ के आए हैं बताओ, अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला, खाली अरे जिसको मिला था उसको दे देते ना, उसको देते ही नहीं, जिसको नहीं मिला था उसको देते, क्यों खाली बेफालतू में यहाँ पे क्यों परेशान कर रखा है, अरे देना है दो, नहीं देना तो नहीं देते, एक तो मोबाइल में मैसेज कर दिया कि आज सामान मिल रहा है यहाँ करके, ना हमें कोई चीज मिला ना कुछ अभी तक, कोई किससे कोई अधिकारी से, कौन अधिकारी है हमारे, तो सभी अधिकारी है, हम तो किसको पहचानते भी नहीं है, अरे हमें जब आया था मैसेज आया था हम आ गए सामान लेने के लिए, हमें आज तक कुछ मिला भी नहीं, और किसी को मिला है, और हमारे तो कार्ड में भी ना छेद है ना कुछ है, हमको फिर भी नहीं मिला, अरे जिसको जिसको मिला है उसको मत दो ना, हमको दो, सुबह 6 बजे से आया, अब लगा लो कितना टाइम हो गया, अभी तक हमें कुछ मिला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल मुनि ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी प्रस्तुत की है, उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वह राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बिंदुखत्ता राजस्व गांव बनेगा और बरेली रोड क्षेत्र की तमाम समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया जाएगा। हिंदूवादी विचारधारा को लेकर समाज में चर्चा में रहने वाले कमल मुनि ने कहा कि वह पिछले 20 सालों से राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर समाज में जन जागरूकता फैला रहे हैं और जिन असहाय लोगों को राष्ट्र विरोधी तत्व परेशान करते हैं उनकी त्वरित गति से मदद करने का भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। जिस ढंग से इस समय एक इस रूप में विषय चल रहा है राष्ट्रभक्ति का और ऐसे विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ, मुनि जी मैं विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ, जो बात नहीं मैंने उन संबंध में काम नहीं हुआ है तो आप किस जो काम नहीं देखिए देखिए काम चल रहा है निरंतर, प्रदेश सरकार ने हमारे इस क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा जो भी समस्याओं को लेकर वहाँ गए और उन पर उन्होंने विचार करा, विचार करने के बाद उसको काम चल रहा है, उन विषयों पर चल रहा है और प्रदेश नेतृत्व जो है उस पर लगा हुआ है और आपने कहा जिस रूप में मैंने कहा ना, एक जगह राष्ट्रवादी विचारधारा है और एक जगह गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, तो इस समय राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर ही युवाओं में और युवाओं का मन और नेतृत्व चाहता है युवा कि युवा नेतृत्व आना चाहिए, उस रूप में हमने दावेदारी। कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं आपकी सरकार में, जो बड़े काम है, बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए, कौन से ऐसे काम है जिनको आप देखते हैं? देखिए हमारे प्रदेश सरकार में और सरकार के दौरान जो है चाहे हॉस्पिटलों के काम हैं, ऐसा 200 बेडों का हॉस्पिटल बनने का है और ऐसे सड़कों का निर्माण है, तो जितनी भी
चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक हमारे वहाँ एक गंदे नाले की समस्या कई समय से वो है, और वो भी मुझे लगता है कि जल्द उसका शुरुआत हो जाएगी। अरावली के ब्यात तालुका में खानपुर के मुवाड़ी से गुजर रही सड़कें इतनी खराब है कि वहां से आने वाले वाहनों को गड्ढों का सामना करना पड़ता है। यह सड़क इतनी खराब है कि गाड़ी चलाते वक्त ऊंट की सवारी जैसा लगता है। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि आसपास के इलाकों में सड़कें बनाई जाए। अब देखना होगा कि लोगों की मांग पूरी होती है या फिर गड्ढों की गहराई और बढ़ती है। अरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। जौनपुर में क्राइम ब्रांच और सिकरारा पुलिस की संयुक्त टीम का आरोपियों से सामना हुआ। बता दें, दो अपराधी दीपक सिंह और राजकुमार सिंह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 30 दिसंबर 2021 की रात में लगभग 8:30 बजे थाना सिकरारा अंतर्गत खपराहा बाजार के पास से अखिलेश जायसवाल का अपहरण उनके विरोधी उन्हीं गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह ने अपने सहयोगी दीपक सिंह के द्वारा किया और मारपीट करके उनकी हत्या कर दी। अभियुक्त ब्रजेश सिंह और उनके सहयोगी दीपक सिंह ने हत्या करने के बाद उस डेड बॉडी को अपने अन्य सहयोगी राजकुमार सिंह एवं अमन सिंह के सहयोग से बक्सा थाना अंतर्गत खुनसापुर नदी के घाट पर ले जाकर के उस डेड बॉडी को जला दिया, जिसमें इन्होंने ऋषु सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति का भी सहयोग लिया और ये लोग वहां से मौके से भाग गए। इस घटना में पुलिस ने तत्परतापूर्वक अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी और संयुक्त ऑपरेशन में बीती रात में एक अन्य अभियुक्त अमन सिंह को पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था। उनकी निशानदेही पर मृतक के जले हुए अवशेष भी बरामद कर लिए गए हैं, जिनका परीक्षण कराया जाएगा और अन्य अभियुक्तों की तलाश में बीती रात में ही रीठी गांव के पास सई नदी के पुल पर पुलिस से बदमाशों का मुठभेड़ हुआ, जिसमें इस घटना में शामिल अभियुक्त राजकुमार की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। एक अन्य अभियुक्त जिसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी पुलिस ने आत्मरक्षा में जो फायर किए उसमें अभियुक्त दीपक सिंह के पैर में गोली लगी है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और मौके से इस प्रकरण में 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 मिस फायर कारतूस और 1 कदम मोटरसाइकिल रिकवर हुई है और इस घटना में अन्य साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज। गुरु गोविंद सिंह के पावन प्रकाश उत्सव पर गोंडा के नगर करनलगंज के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। प्रकाश उत्सव के अवसर पर पूरा नगर गुरुवाणी से गुंजायमान हो गया। मंगलवार को गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अन्य प्रबुद्धजनों का सम्मान भी हुआ। वहीं सभी ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर चल रहे लंगर में प्रसाद ग्रहण की। इस दौरान सभी धर्म के लोगों ने विशाल शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गोंडा से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। भागलपुर मंडल में अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक विवाहिता ने जहर खा लिया है। गंभीर स्थिति में परिजन महिला तेतरी देवी को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस खबर से महिला के परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं 3 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। बताया जा रहा है कि मृतिका का अपने पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अब पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की है। भागलपुर मंडल से चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? कैलाश। कैसे यह घटना हुआ? घटना हुआ जैसे जब से हम शादी किए हैं ना, मेरी बेटी का इस घर में कष्ट कष्ट है। क्या कष्ट? आज तक मारपीट देता था, दारू पी करके आता था, मारता था, गांजा पीता था। उनको कौन है? बस यही।
तो ये दुर्घटना कैसे हो गया? ये हम नहीं कह पाएंगे कि कैसे हो गया। वहाँ हम घर पर थे, ये ख़त्म हो गया तो मेरा बची गई कि दीदी ख़त्म हो गई। कौन बची गई, क्या नाम? मेरा शिवानी छोटी लड़की है। अच्छा, वो नहीं आई है, भदरिये में है। वही गए कहा तो हम आलू का खेत में थे, वहाँ से मेरा पता चला। तो वहाँ हम सोचे कि मायागंज जाए कि अमरपुर जाए कि कहाँ जाए, तो वहाँ से मेरा लड़का ललन फ़ोन किया कि अभी नहीं आइए, अभी कुछ साहस है, नाड़ी चल रही है। तो नाड़ी चल रहा था तो हॉस्पिटल जाते जाते ही डेथ कर गई। हॉस्पिटल नहीं पहुँचा था? हाँ, पहुँच गया था। और गाड़ी रुका था, ये जाम था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।